जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने की हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको नवरात्रि तक चिन्ह राशि के जातक के सगाई होने के योग है और नवम्बर और दिसम्बर महीने में विवाह के योग हैं उसकी जानकारी दूंगा। यह जानकारी आपको ग्रह राशि परिवर्तन के आधार पर दी जा रही है। दोस्तों, मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि अगर आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं और किसी कारणवश आपके फोन को रिसीव नहीं किया जाता है तो आप निराश बिल्कुल ना हो। पर्याप्त समय और उचित समय पर और समय के साथ ही आपको अवश्य ही कॉल रिवर्ट किया जाएगा। आसान शब्दों में कहे तो आपके कॉल का प्रत्युत्तर अवश्य दिया जाएगा। आप इसके लिए जो है व्हाट्सएप का भी सहारा ले सकते हैं, ले सकती हैं और तत्काल से ही आप केपी की वाणी को व्हाट्सएप अवश्य ही कर दें ताकि आपको उसी समय जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, शादी में किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं, आपके घर वाले परेशान हैं, आपके माता पिता परेशान हैं, कई बार रिश्ते तय होने के बाद टूट जाए और कई बार ऐसा होता है कि रिश्ते अब बनने ही वाले हैं, बात बन जाएगी, आपके मन में प्रसन्नता भरी रहती है और तभी पता चलता है कि रिश्ता टूट गया है या बात नहीं बनी, तो ऐसा क्यों होता है? आपको बता दे कि कई कारण हो सकते हैं कुंडली में रिश्ते टूटने के, तो आप इसके लिए जो है प्रकांड पंडित व ज्योतिष से अवश्य सलाह लें। अगर आपने अभी तक सभी प्रकार के जो है सामदम दंडवेद पद्धति अपना ली है, इसके पश्चात भी आपके लिए कोई शुभ योग नहीं बना है, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें। वर्तमान समय में केपी की वाणी श्रेष्ठतम सेवा दे रहा है और अब तक 6000 से अधिक जातकों का मार्ग प्रशस्त किया गया है, न केवल भारत वर्ष में बल्कि भारत वर्ष से बाहर भी केपी की वाणी सेवा है। तो आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूर्ण जानकारी ज्ञात हो जाती है। इसमें विवाह संबंध की जो जानकारी दी जाती है वह क्रमशः इस प्रकार है कि पहले तो आपकी जो है ग्रह राशि परिवर्तन, ग्रह स्थिति, महादशा, अंतर दशा और दोष, इसको देखा जाता है, इस पर विचार किया जाता है, इसका विश्लेषण किया जाता है और उसी से यह जानकारी मिल जाती है कि आपकी शादी में क्यों बाधा आ रही। तो कई ज्योतिष जो है एक्सपेक्टेशन यानी उम्मीद की भी जानकारी देते हैं कि इतने महीने में शादी हो जाएगी, इस वर्ष शादी हो जाएगी, लेकिन केपी की वाणी ठोस कार्य करके आपको यह जानकारी देगी कि इस अवधि में शादी हो ही जाएगी और उसके पश्चात फिर आपकी शादी किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, सासू माँ के साथ रिलेशन कैसा होगा, संतान कितने होंगे, पुत्र प्राप्ति के योग कब बनेंगे, पुत्री प्राप्ति के योग कब बनेंगे और संतान कितने होंगे, आपके जीवन साथी कितने भाई बहन होंगे, घर द्वार उनका कैसा होगा, किस क्षेत्र में वो कार्यरत होगा, इसके अलावा ससुराल पक्ष में जो है कारोबार होगा या फिर रोजगार होगा, साथ ही ग्रहों के हिसाब से कुंडली में किस प्रकार से योग बने हैं जिससे यह पता चल जाए कि आपका धन बना रहेगा, धन की कमी नहीं होगी ससुराल में, ससुराल में सुख के योग है, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, आय भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, धन भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, इसके अलावा भाग्य भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और इससे यह ज्ञात होगा कि आपके जीवन साथी के पास धन का अभाव तो नहीं होगा, कारोबार होगा, किस उम्र में हुआ कारोबारी होगा, किस उम्र में हुआ ऊंचे पद पर रहेगा, तो ये तमाम तरह की जानकारी अब केपी की वाणी से प्राप्त कर। आपको बता दें इसके लिए सेवा शुल्क महज 751 रुपए है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 8521835670, तो इस नंबर पर आप संपर्क। इसके अलावा ऐसे जातक जो दूसरी शादी के इच्छुक है, दूसरी शादी करना चाहते हैं, चाहती है, प्रथम विवाह में उनके साथ किसी न किसी कारण बस वो साथ न रह पाए और उनका वियोग हो गया, तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपके दूसरे विवाह की भी जो है सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, नामकरण कराना चाहते हैं, दोष निवारण कराना चाहते हैं, बच्चे का भविष्य जानना चाहते हैं, बच्चे का करियर जानना चाहते हैं, बच्चे का कारोबार जानना चाहते हैं, बच्चे के भाग्योदय के बारे में जानना चाहते हैं, बच्चे के जीवन के बारे में जानना, उनके चरित्र के बारे में जानना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं, आपको सभी प्रकार की जानकारी दी जाएगी। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। आपको बता दें कि नवरात्रि साल भर में 4 बार मनाई जाती है, 2 गुप्त नवरात्रि है, 1 चैत नवरात्रि है और 1 शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि में पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में विवाह कार्यक्रम संपन्न किए जाते हैं। पंजाबी समुदाय या सिख समुदाय कह सकते हैं, उस समुदाय के जो लोग हैं वो नवरात्रि के दौरान परिणय सूत्र में बनते हैं, क्योंकि उन दिनों में माँ दुर्गा जगत जननी जो है आदिशक्ति माँ दुर्गा वो पृथ्वी पर निवास करती है, तो वो समय बहुत ही अनुकूल है, उस समय में विवाह करना, माँ के आशीर्वाद लेना बहुत ही शुभ होता है।
है, दुर्लभ ही होता है किसी किसी जातक का विवाह नवरात्रि के दौरान। तो पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान विवाह किए जाते हैं, शादी की जाती है, सगाई भी होती है। तो नवरात्रि जो है इस वर्ष 3 अक्टूबर से लेकर 12 अक्टूबर तक है। 12 अक्टूबर को जो है दशहरा है और 3 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक नवरात्रि। तो इस दौरान सगाई भी कार्यक्रम संपन्न होंगे, शादी भी होगी, विवाह भी होंगे। तो नवरात्रि तक जो शुक्र का राशि परिवर्तन है, गुरु का राशि परिवर्तन, जैसा आपको पता है वृषभ राशि में ही है, शुक्र का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो शुक्र और गुरु के गोचर से जिन 6 राशि वाले के जातक के जो है नवरात्रि में सगाई के योग हैं और नवंबर दिसंबर में विवाह के योग हैं, उसकी जानकारी। तो आपको बता दें कि वर्तमान समय में शुक्र जो है वो कन्या राशि में विराजमान है। क्योंकि कन्या राशि इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगले 2 दिनों में ही जो है शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे। कन्या राशि में गोचर करने से जो है शुक्र की कई राशि के जातक के लिए शुभ फल रहेगा और किस्मत के दरवाजे खुलने जैसा। इसके बाद जो है 18 सितंबर को जो है शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और गोचर कर जाएंगे तुला राशि में। तुला राशि में भी गोचर करेंगे शुक्र और तुला राशि में जो है शुक्र रहेंगे 13 अक्टूबर तक। कुल मिलाकर कहे कि 12 अक्टूबर तक जो है यानी कि दशहरा तक जो है शुक्र तुला राशि में ही विराजमान रहेंगे और इसके पश्चात फिर तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो नवरात्रि जो है वो 3 से लेकर 12 के मध्य है और 13 अक्टूबर को जो शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे। उससे पूर्व जो है कुछ इस प्रकार से शुक्र का नक्षत्र परिवर्तन होगा। शुक्र जो है 2 सितंबर को प्रवेश करेंगे हस्त नक्षत्र में, फिर नक्षत्र जो है चित्रा में गोचर करेंगे 13 सितंबर को, 18 सितंबर को ये प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र में 23 सितंबर को गोचर करेंगे और विशाखा नक्षत्र में 4 अक्टूबर को गोचर। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के लिए शुभ योग बनेगा इनकी राशि के अनुसार से। और इसके अलावा जो है 13 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक जो है ये प्रवेश रहेंगे वृश्चिक राशि में और 7 नवंबर से फिर ये गोचर करेंगे धनु राशि में और 2 दिसंबर को ये मकर राशि में गोचर कर जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से योग बनेगा। अगर हम शुक्र के गोचर से देखें तो कन्या राशि में विराजमान रहेंगे तो वर्तमान समय में जो कन्या राशि में केतु का गोचर है तो मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाएगा। शुक्र मीन राशि के जातक के योग बनाएगा और फिर जब कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में गोचर करेंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। तो दशहरा तक तो इन 2 राशि के जातक के लिए शुभ योग है। आसान शब्दों में कहें मीन राशि के जातक, मेष राशि के जातक। और अगर हम गुरु के भी गोचर की स्थिति देख ले तो वृश्चिक राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, ये 4 राशि के जातक के लिए शुभ योग बन रहा है दशहरा तक यानी नवरात्रि तक इनके रिश्ते तय होने के प्रबल योग है। और कई ऐसे जातक हैं जो पुण्य सूत्र में बन जाएंगे, जैसा मैंने आपको बताया पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान विवाह किए जाते हैं। तो 4 राशि के जातक के विवाह में पुण्य सूत्र में बनने के 100% योग है। उसके अलावा जब शुक्र गोचर कर जाएंगे वृश्चिक राशि में तो फिर मिथुन राशि के जातक के लिए और फिर उसके पश्चात जो है कर्क राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बनाएगा। तो कुल मिलाकर के ग्रहों का राशि परिवर्तन इस प्रकार रहेगा शुक्र और गुरु से। तो मेष से लेकर जो है मीन राशि में जो जो राशि के जातक है जिनके पुण्य सूत्र में बंधने के योग हैं तो 4 राशि के जातक जो 4 भाग्यशाली राशि के जातक हैं उनके तो नवरात्रि तक हैं और फिर नवंबर दिसंबर में 2 अन्य राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो आइए इन 6 राशियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। प्रथम तो मैंने आपको बताया कि अगर हम मेष से लेकर मैं अगर मीन से लेता हूं, क्योंकि शुक्र के राशि परिवर्तन के आधार पर प्रथम जानकारी दे रहा हूं, तो मीन राशि के जातक के लिए शुभ योग है। इनके नवरात्रि तक तो योग है ही, इसके पश्चात नवंबर दिसंबर में इनके पुण्य सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। तो अगर मीन राशि के जातक हैं तो आपके उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा अगर आप मेष राशि के जातक, कन्या राशि के जातक, धनु राशि के जातकों के साथ पुण्य सूत्र में बनते हैं यानी इनमें से किसी एक जातक के साथ आप पुण्य सूत्र में बनते हैं तो आपके लिए उत्तम। इसके पश्चात जो है मेष राशि के जातक के लिए शुभ योग बनेगा। जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या से निकलकर तुला में आ जाएंगे तो मेष राशि के जातकों, तो अगर आप मेष राशि के जातक हैं तो आपके लिए जो है शुभ योग बनेगा। और मेष राशि के जातक वर्तमान समय में गुरु जो है आपके धन भाव में विराजमान है तो आपके लिए धन के भी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी समाज में और नवंबर दिसंबर में आपके पुण्य सूत्र में भी बंधने के योग हैं अगर आप मेष राशि के जातक हैं। तो आपके जो विवाह के योग हैं वो दक्षिण दिशा में बन रहे हैं। बात करें नाम अक्षर की तो पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप पुण्य सूत्र में बन सकते। तो मेष राशि के जातक के बाद जब शुक्र का गोचर होगा वृषभ राशि में तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो अगर आपके वृषभ राशि के जातक हैं तो वर्तमान समय में गुरु भी गोचर हो रखा है आपके लिए तो शुभ योग बन रहा है नवरात्रि तक रिश्ते तय होने के। और अगर नवरात्रि तक रिश्ते तय भी नहीं होते हैं तो भी जब शुक्र का गोचर वृषभ
राशि में होगा, तो यानी कि 13 अक्टूबर से 7 नवंबर के मध्य जो है आपके लिए शुभ योग बनेगा, अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग बनेगा, और नवंबर दिसंबर में आपके लिए भी शुभ योग बन रहा है अगर आप वृषभ राशि के जातक हैं तो। बात करें नाम अक्षर की, तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, ये प्रमुख लेटर है जिनके साथ आपके पन्ने सूत्र में बनने के योग। वृषभ राशि के जातक के लिए भी पश्चिम दिशा अनुकूल होता है अगर आप वृषभ राशि के जातक। इसके पश्चात जो है अगर बात करें वृषभ राशि के बाद, तो कर्क राशि के जातक के लिए शुभ योग है नवंबर दिसंबर के लिए, क्योंकि कर्क राशि एक आदर्श भाव में गुरु विराजमान है और कर्क राशि के लिए शुभ योग बना रहा है। तो अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ समय है कि आपके पर्ण सूत्र में बंधने के योग बन रहे हैं। बात करें दिशा के, तो पूर्व एवं दक्षिण है, इन तीनों राशियों में दक्षिण दिशा में विवाह के योग यानी संभावना प्रबल है। तो अगर आप कर्क राशि के, तो गुरु उच्च होने के चलते आपके लिए शुभ योग बना रहा है। वर्तमान समय में शनि की भिड़ैया चल रही है, तो बहुत ही शुभ समय है अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो। इसके अलावा अगर कर्क राशि के जातक की बात कर लिया जाए, तो आगामी जो राशि है वो वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातक के लिए भी शुभ योग बन रहा है, क्योंकि वृषभ राशि के जातक के गुरु जो है उनके जीवन साथी भाव में विराजमान, और जीवन साथी भाव में जब गुरु विराजमान होते हैं तो उस राशि के जातक के लिए शुभ योग बनाता है। तो वृषभ राशि के जातक के लिए भी शुभ योग है, वृषभ राशि के जातक के लिए भी दक्षिण दिशा में ही विवाह। तो वृषभ राशि के जातक, कर्क राशि के जातक, मेष राशि के जातक, वृषभ राशि के जातक, ये राशि के जातक के लिए दक्षिण दिशा में। और उसके अलावा अगर हम बात करें मीन राशि के जातक और कन्या राशि के, तो इन दोनों राशि के जातकों के उत्तर और पूर्व दिशा में विवाह के योग 100% बन रहे हैं। तो ये 6 जो राशि है भाग्यशाली राशि है, इनमें 4 राशि के जातक के नवरात्रि तक सगाई और उनमें कुछ राशि के जातक के विवाह के भी योग है, और अन्य 2 राशियों को मिलाकर 6 राशि के जो जातक है उनके नवंबर और दिसंबर में विवाह के प्रबल योग बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहें, परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि सत्मार और आगे बढ़ने की शक्ति। नमस्कार, जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु।